वन संरक्षक देवास PS मिश्रा के निर्देश और मुखबिर की सूचना पर खातेगांव के डिप्टी रेंजर मानसिंह गौड़ और उनकी पूरी टीम ने सागवान की तस्करी को पकड़ा है। ग्राम चांदला खेड़ा में शंकर पिता रमेश गौड के घर के आसपास जांच किए जाने पर 72 नग सागौन, सिल्ली और चरपट और एक कटर मशीन सहित कुल 65,000 कीमत की सामग्री जब्त कर भारतीय वन अधिनियम 1927 और अन्य अधिनियम में अपराध कायम किया गया है। उक्त जानकारी SDO 1 SN यादव ने दी है। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। आज दिनांक को मुखबिर की सूचना पर और हमारे वन संरक्षक देवास के सतत और सख्त निर्देश के अनुसार मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम चांदला खेड़ा रेंज खातेगांव में स्टाफ को भेजा गया, जिसमें परिषद सहायक मानसिंह गौड़ और वहां के हमारे वन रक्षक 4-5 वो पहुंचे और शंकर पिता रमेश गौड़ निवासी चांदला खेड़ा के यहां से कुल 72 नग सागौन जब्त किए गए और मशीन जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 65,000 रुपये है। पूरी जब्ती के करने के उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 एवं अन्य अधिनियमों की धारा में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।